देखी होगी आप सभी ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि मिस्ट्री हीलर ने किया बड़ा दावा, सुशांत सिंह राजपूत के इलाज के लिए रिया चक्रवर्ती ने किया था। तो क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल जिस मिस्ट्री हीलर की हम बात कर रहे हैं, उस मिस्ट्री हीलर का नाम है महेश जोशी। सुशांत सिंह राजपूत को 2 महीने बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े कई सारे खुलासे हुए थे, और ऐसे में खुद स्पिरिचुअल हीलर बताने वाले महेश जोशी ने दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत के इलाज के लिए उन्हें खुद किसी और ने नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती ने ही बुलाया था। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर तब नया मोड़ आया था जब सुशांत को डिप्रेशन से उबारने के लिए रिया चक्रवर्ती ने स्पिरिचुअल हीलर से कांटेक्ट किया था। स्पिरिचुअल हीलर ने बताया था कि नवंबर में सुशांत सिंह राजपूत से वो मिले थे। स्पिरिचुअल हीलर सदाशिव जोशी ने कहा कि मैं सुशांत से 22 नवंबर को मिला था और इस दौरान मैंने ही उन्हें आशीर्वाद दिया था। 23 नवंबर को मुझे रिया चक्रवर्ती का फोन आया था और मैं उनसे मिलने गया। हम तीनों ने साथ में लंच भी किया था। आध्यात्मिक गुरु ने यह भी कहा कि मेरे हाथ गर्म रहते हैं, उससे शरीर में ऊर्जा जाती है, वो बॉडी को ठीक करती है। रिया ने मुझे गूगल पर सर्च किया था मेरे से मिलने के लिए। अगले दिन वो आए थे। इसके अलावा मुझे बांदा पुलिस स्टेशन में भी बुलाया गया था। मैं 70 साल का हूँ तो इसीलिए मैं नहीं गया था। सुशांत के करीबी अंकित ने भी बताया था कि मेरे दोस्त जो बाद में सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करते थे, उन्होंने मुझे बताया था कि रिया कुछ पूजा पाठ करवा रही है और उसमें वो काफ़ी खर्चा कर रही है। एक पूजा वो होती है जो मूर्ति के सामने की जाती है और ये दूसरे और अजीब ढंग से पूजा करवाती थी। अंकित ने यह भी कहा था कि इस पूजा में नींबू वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। मैं भी कोलकाता से हूँ तो जानता हूँ कि ऐसी पूजा को टोना टोटका कहा जाता है। इसके अलावा जनवरी 2019 तक सुशांत के पास 30 करोड़ रुपए थे। तो ये है पूरी खबर, जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के स्पिरिचुअल हीलर महेश जोशी ने खुद किया चौंकाने वाला खुलासा। नेक्स्ट टाइम लाइव रजनी की रिपोर्ट।